कराची में आई चंद्रीगढ़ रोड पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के चौथे फ्लोर पर आग लग गई। फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। और में मांदा रोड ड्राइवन बाईपास पर फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी, दो अफराद झुलस कर जख्मी। इतवार की शाम को बॉयलर फटने से आग लगी थी। सिंध में मुहर्रम अल हराम के दौरान फौज रेंजर्स एफसी तैनात करने की मंजूरी। सिंध हुकूमत और अस्करी हुकाम की मशावरत से तैनाती का रोड मैप तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। अमन अमान और तरक्याती मंसूबों पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी जाएगी। गवर्नर वजीर आला और सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत आज करेगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। सिक्योरिटी इंतजामात का सर्कुलर जारी। इद्दत निकाह केस में वानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। डिस्ट्रिक्ट बेंच सेशन जज अफजल मजू का समाअत करेंगे। वकील सलमान सफदर दलाइल जारी रखेंगे। कराची में टारगेट किलिंग का शिकार डीएसपी सीजीडी अली रजा की नमाज जनाजा आज गार्डन हेडक्वार्टर में अदा की जाएगी। करीमाबाद में दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार मुलजिमान ने इमारत में दाखिल होकर अली रजा पर गोलियां बरसा दी थी। फायरिंग से बिल्डिंग का गार्ड भी जां भाग हो गया था। नॉर्थ कराची में अंडा मोड़ के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से चेयरमैन लोकल जकात और अशर कमेटी गुलबर्ग टाउन चांबहक। पुलिस को टारगेट किलिंग की शुभात। कराची छट्टा बदीन और सजावल समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज आंधी और बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद पंजाब बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाद मकामात पर भी बादल बरसने का इम्कान। नौजवान कश्मीरी रहनुमा बुरहान वानी की आज 8वीं बरसी मनाई जा रही है। बुरहान वानी की शहादत के 8 साल मुकम्मल होने पर मकबूजा कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल। वादी में जगह जगह बुरहान वानी के पोस्टर लगा दिए गए। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद लाहौर पहुंच गए।